एक एक जगह का एक एक नियम कानून है। अच्छा, अलग अलग हर आदमी का मजबूरी तो नहीं। खूब ऐश करूंगा, जीऊंगा, अच्छी जी, तरह से कमाऊंगा जी। ये हमारा जगह है। अच्छा, सरकार ने खरीद लिया ये रोड बना, इतना पगार नहीं दे पाएगा सेठ लोग। क्यों? इससे बढ़िया ज्यादा ड्यूटी किसी काम का नहीं है। ड्राइवर लोगों को क्या है, पूरा ऑल इंडिया में दादागिरी करना पड़ता है। अच्छा। गाड़ी है उसके पास, तब उसका सीना चौड़ा है ज्यादा साहूस है जी। खतरनाक स्टेट है मणिपुर, मणिपुर मेघालय। 4 दिन से बैठा है, आज लौट मिला। टाउन भाड़ा जा रहे है, अभी बहुत कम है भाड़ा। आने में लग गया 3,000, जाने में लगेगा 3,000। ड्राइवर लोग खाने का कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन टाइम नहीं बना रहे। देखिए चिकन बहुत ही शानदार और स्पेशल दिख रहा है। रिवर्स को मिलाकर 6 गियर और ये हो गया इसका हैंड ब्रेक। तो एसी चलाएगा तो थोड़ा ड्राइवर का दिमाग सही रहेगा जी। पहले जमाना में ड्राइवर साफ बोलते थे जी, गाली बोलेगा नहीं, मैं गाली वो जी जी उल्टा सीधा गाली। बाइक वाले को चलने का तरीका नहीं, इसको सीखना पड़ेगा। 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल ट्रेनिंग देना पड़ता है। देखिए रात जागने के लिए भी ट्रेनिंग देना पड़ता है। वो नमस्कार करके बोलते हैं, आप लोग ड्राइवर के लिए बहुत ध्यान दीजिए, सरकार को जल्दी कदम उठाना चाहिए ड्राइवर के लिए। हाथ टूट जाएगा तो हम लोग का जिंदगी बेकार। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं दोस्तों रन ऑन व्हील्स। दोस्तों एक नया दिन और एक नए ट्रैक के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं आपके ठीक सामने खड़ा है टाटा का 15-12 6 चक्का का एक कंटेनर ट्रक है। दोस्तों ये देखिए सामने से इसका बहुत ही अच्छा लुक इसमें दिख रहा है। अगर इसकी दोस्तों 15-12 बात करें तो इसमें 125 हॉर्स पावर रहता है और इसमें 16,020 ग्रोस व्हीकल वेट के साथ आता है। और इसका इंजन कैपेसिटी की बात करें 3,300 सीसी का इसमें इंजन है। और दोस्तों ये 4 सिलेंडर ट्रक है। देखिए सामने से इस तरह से कुछ ये ट्रक दिखता है, ऊपर लिखा है गुड्स कैरियर, ऑल इंडिया परमिटेड गाड़ी चलता है। उस्ताद जी अभी हमारा अंदर खाना बना रहे हैं और उस्ताद जी चल कर बात करेंगे उनसे जानेंगे उनके लाइफ स्टाइल के बारे में और साथ ही में कुछ और भी बातें होगा। तो दोस्तों वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहेगा और वीडियो को फटाफट से लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियो आप लोगों को हर रोज़ देखने को मिले। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ तिरपाल वगैरह बांध कर रखा है, उस्ताद जी ने कुछ माल वगैरह लोड हुआ है। तो ट्रक कुछ इस तरह से दिखता है और इसका हो गया ये डीजल टैंक और हो गया दोस्तों इसका आर्ट ब्लू टैंक और ये दोस्तों ये BS4 का ट्रक है। देखिए इसका चढ़ाई करने का स्टेप कुछ इस तरह से बना हुआ है और काफ़ी शानदार भी लग रहा है, अच्छे से काफ़ी ज़्यादा स्पेस में बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ये इस तरह से कुछ यहाँ पर दिखता है ट्रक। अभी चलकर उस्ताद जी से बात करेंगे उधर। तो दोस्तों अभी हम चलेंगे ऊपर और ऊपर आज हम ड्राइवर भाई साहब के सीट पर बैठेंगे और आप ड्राइवर भाई साहब से बात करेंगे। देखिए इसका चढ़ाई करने का स्टेप शानदार बना हुआ है, 3 स्टेप इसमें बना हुआ है, आराम से आप चढ़ने के लिए यहाँ पर एक पकड़ने का भी यहाँ पर बनाया गया। तो दोस्तों अभी हम आ गए ट्रक के केबिन के अंदर। देखिए यहाँ पर स्टेयरिंग बहुत ही शानदार प्यारा, छोटा सा चिंटू पिंटू सा स्टेयरिंग है और छोटा सा ये टाटा का लोगो लगा हुआ है और सामने से इस तरह से उसका डैशबोर्ड है। तो अभी उस्ताद जी हमारा खाना बना रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 3:30 बज रहा है दोपहर के और अभी देखिए हमारे देश के जो ड्राइवर होते हैं वो अभी खाना बना रहे और खाएंगे 4 बजे। इस तरह का ड्राइवर का जो खाने पीने का टाइमिंग रहता है, सोने का भी टाइमिंग कोई नहीं रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं आपके सामने दोस्तों लाइव प्रूफ है। अमीरुल इस्लाम। तो आपका नाम उस्ताद जी? छोटन दास आपका नाम है। तो आप कहाँ के, बंगाल के रहने वाले हैं? मुर्शिदाबाद का। तो कितने सालों से आप स्ट्राइक लाइन में काम कर रहे हैं? 2000 से अभी 2023 चल रहा है, यानी कि आपका 23 साल हो गया इस लाइन में काम करते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और तजुर्बे का ड्राइवर है आप। तो कैसे आपको इस लाइन में आना हुआ था, कोई मजबूरी था या फिर शौक था आपका? गरीबी का मजबूरी था जी। जी जी, जैसे घर से काम धूम कम चल रहा था जी जी, तो आया और हम तो बहुत जगह घूमे थे जी जी, हर जगह एक एक जगह का एक एक नियम कानून है। अच्छा, अलग अलग स्टेट का अलग अलग कानून है, ट्रैफिक कानून अलग अलग बना हुआ है, लेकिन इंडिया का सब लोग है लेकिन कानून अलग अलग बना हुआ है। तो आपका काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा इस लाइन में। और उस्ताद जी आपको कितने साल हो गए इस लाइन में आए हुए? 2003 से गाड़ी चला। तो आपका भी 20 साल से, काफ़ी तजुर्बेकार काफ़ी एक्सपीरियंस ड्राइवर है आप दोनों हमारे। तो आपको कैसा आना, आपको भी मजबूरी में आना हुआ था? देखिए हर आदमी का मजबूरी तो नहीं पड़ता जी जी, देखते देखते सब कुछ करना पड़ता जी जी। लेकिन ये रास्ता हमने चुना था कि खूब ऐश करूंगा, जीऊंगा, अच्छी जी तरह से कमाऊंगा जी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा वाकई में ऐसा नहीं है, आप जैसे सोच रहे थे ऐसा नहीं है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं आपका अभी खाना बन रहा है, अभी दोपहर को 3:30 बज रहा है, तो इतना टाइम पर खाना बना रहे, कोई खाने पीने का टाइम इसमें नहीं रहता है? देखिए खाने पीने के बात है अलग है, ये दूसरे का काम है जी जी।
अगर कोई लोडिंग में टाइम नहीं मिलता, लोडिंग करने चले जाए, ये टाइम ठीक नहीं है, लोडिंग हो जाए उसके बाद खाना बनाता है हम लोग। तो आप बनाकर खाते हैं हमेशा, जैसे कि आप बनाने के लिए आपको ओनर है वो कितना दिन का देते हैं आपको दोनों आदमी को? हम दोनों को देता है 400 में आपका हो जाता है इसमें? होता नहीं, जैसे एडजस्ट करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। कोई तो दूसरा भी ऐसा करता है, हम लोग तो ऐसा नहीं करते नहीं। जी जी, हम लोग जैसे कोई तिरंगा गुटका ऐसा अगर वगैरह खाता है वो लोग का नहीं पड़ता है। जी, जैसे खाना बना के खाएगा तो 300-400 में हो जाता है। जी जी, अभी के दौर और उस दौर में क्या कुछ बदलाव हुआ है? ट्रैफिक हुआ है, पहले जमाने में हम लोग थे तब रोड सिंगल था। जी जी, जैसे हम कलकत्ता से महाराष्ट्र बॉम्बे चले। जी, और बॉम्बे से गुजरात लाइन पहले से 4 लाइन था। जी जी, आधा सा ड्राइवर के लिए एक बात है, पार्किंग बहुत कम है। जी जी, और लेटरिंग उटरिंग ये भी कम है। ये भी कम है, अभी भी रोड के ऊपर करना पड़ता है ड्राइवर। और 50 किलोमीटर के अंदर एक होना चाहिए। 50 किलोमीटर के अंदर एक होना चाहिए। जी, और पार्किंग भी बनाता है तो गांव वाला क्या करता है, उधर दुकान लगा देता है। जी जी, तो पार्किंग के तरफ गाड़ी लगाता है तो बोलता है ये गाड़ी हटाओ, ये हमारा जगह है। अच्छा, सरकार ने खरीद लिया ये रोड बना। जी जी जी, ड्राइवर के सुविधा के लिए। जी, फिर भी ये लोग क्या करते हैं, जैसे पार्किंग में कोई दुकान लगाता है। जी, वो दुकान लगाना अच्छा है। जी जी, लेकिन बोलते हैं वो पार्किंग लगेगा 20 रुपया 50 रुपये, कोई कोई जगह में देता है। अच्छा, ऐसा पैसा भी लेते हो? पैसा देना पड़ता है हम लोग को, क्योंकि क्यों देना पड़ता है, अगर रात को हम लोग सो जाए चोरी वगैरह हो जाए, चोरी भी कर लेते हैं वो लोग, भी चोरी करेगा। अच्छा, लोकल आदमी चोरी कर लेते हैं ना, ये अगर सरकार कोई सुविधा देगा चोरी वोरी का, जैसे हमारा छोटा गाड़ी है एसी उसी तो है नहीं, एसी नहीं है, स्टार्ट करना पड़ता है एसी लगाने से। जी, पंखा चलाएगा तो बैटरी डाउन हो जाएगा, अगर ये गेट खुला सोएगा तो क्या करेगा, चोर आके चोरी कर लेते हैं, लेके जाएगा। होता था ज्यादा जी, पहले जमाने देखिए सिंगल रोड था हमारा उधर बंगाल में। जी जी, कितना जगह में चोर दिन में चोरी करता है। की बात करें कौन से स्टेट में आरटीओ वाले ज्यादा परेशान करते होंगे? पहले जमाने में ज्यादा था। जी, बहुत कम हो गया क्योंकि अब सब अंदर, पहले जमाने में ओवरलोड भी चलता था। जी जी, अभी तो ऑनलाइन हो गया है, अंदर लोड ओवरलोड अभी टूल टैक्स में काटा बैठा दिया। जी जी, अभी तो सब पूरा अंदर लोड हो गया, तो उतना आता नहीं, देखता है कभी कभी जी कोई गाड़ी का कागज। जी जी, पेपर वगैरह चेक करते हैं। भाड़ा कम है, इतना भाड़ा कम है गाड़ी लाइन में, अभी मालिक लोग भी परेशान। जी, तो कोई कोई कागज फेल भी हो जाते हैं, कोई कोई जिसका बिजनेस है वो देखता है मैं खाना पीना खाऊं चाहे ना खाऊं। आपका खाना तो, देखिए कुछ वो देखता है खाना पीना खाऊं या ना खाऊं। जी जी, वो गाड़ी का कागज भरता। अच्छा, तो गाड़ी का जो EMI होता है वो भरना पड़ता है, भर देता है। कोई मन भी चल रहा है अभी गाड़ी लाइन में, गाड़ी बहुत है ना। जी जी, अभी लाइन में इतना गाड़ी हो गया और डीजल का प्राइस भी बढ़ गया है, तो डीजल तो वो डीजल के पहले जमाना हम लोग जब 2000 साल में था तो 16 रुपया कितना पैसा डीजल। सबसे अगर बेहतर स्टेट की बात करें कौन से स्टेट के जो ट्रैफिक वाले? अभी सबसे स्टेट उड़ीसा अच्छा हो गया। जी, बिहार भी अच्छा हो गया, पश्चिम बंगला अच्छा है, लेकिन थोड़ा पुलिस तंग करता है। जी जी जी, आरटीओ वाला उधर ज्यादा परेशान। आरटीओ वाला नहीं, पुलिस वाला करता है। हर ड्राइवर का ऐसा ही बोलना है, जो बहुत सारे ड्राइवर पुलिस वाला थोड़ा तंग करता है। जी जी, वो भी कम हो गया अभी, क्योंकि उधर कानून ज्यादा चलता है, सीट बेल्ट ना पहनो। अच्छा, तो वो यूनिफॉर्म ना पहनो, तो देखो कोई कोई जगह में ऐसा होता है। आपको इसमें सैलरी वगैरह क्या कुछ इस ट्रक में आपको मिलता है? ड्राइवर खलासी को 20,000। 20,000, आप लोग दोनों ड्राइवर है, 24 घंटा आपका गाड़ी चलता है जब चलते हैं। ये देखिए इतना पगार नहीं दे पाएगा सेट लोग, क्यों 20,000 देता है हमारा सेट, कोई कोई इतना देता नहीं। जी जी हाँ, एक एक जगह के एक एक रूल होता है, बहुत सारे ट्रकों में तो अभी एक ही आदमी रहता है, कोई कोई जगह में कमीशन में चलता है, कोई जी जी कोई पगार में चलता है, जी कोई खर्चा में चलता है, ऐसे चलता है। अच्छा, ऐसा ही चलता है आपका, इसमें सैलरी में 24 घंटा ड्यूटी है। ये गाड़ी में आ जाओ 24 घंटा ड्यूटी, इससे बढ़िया ज्यादा ड्यूटी किसी काम का नहीं है। जी जी, इस काम में नहीं है, इसमें अगर तुम्हारा गलती हो जाएगा तो सेट भी बोलेगा, और अच्छा सेट होगा तो बोलेगा चल जाने दे, हो भी सकता है। जी जी, और ड्राइवर लोग कोई अपनी मर्जी से कोई गलती नहीं करता। जी, दुनिया में अगर पूरा देखेगा तो ड्राइवर से बढ़िया एक जिम्मेदार नागरिक आप लोग, और किधर
एक ड्राइवर है और बॉर्डर में जाओ तो एक मिलिट्री। जी जी जी। और किसान एक हो गया, एक किसान। अगर किसान खाना बनाता है तो आप लोग लोगों तक पहुंचाते हैं। हाँ। और देश के जो सुरक्षा दायित्व तो सेना का है, तो तीनों जो हिस्सा है देश का बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन वो किसान को नहीं देख रहे और सेना को भी इतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, तो इनको मिलना चाहिए। आपके हिसाब से अगर हम बात करें तो ड्राइवर के लिए एक फिक्स मतलब कि तनख्वाह होना चाहिए कि 25,000 या फिर 30,000 नहीं होगा, और एक फिक्स टाइम रहना चाहिए गाड़ी। हाँ। चलाने का एक फिक्स टाइम रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि पूछिए, हम इधर इमरजेंसी का मामला है। जी हाँ, जिनका इमरजेंसी काम है वो तो अलग साइड हो गया, और जिनका जो भी अलग काम है तो उनके लिए एक फिक्स टाइम होना चाहिए। उसके लिए कुछ होना चाहिए। जो मेडिकल डिपार्टमेंट में माल वगैरह लेकर जाते हैं, कोई सब्जी वगैरह लेकर जाते हैं, तो उनके लिए वो टाइम, उनके लिए ऑल टाइम। अगर कोई मेडिकल लोड किया उसको पहुंचाना। जी 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 जी। कि कौन सा दवाई किसका काम आ जाएगा। जी जी जी। ये बोल नहीं सकते ना। जी अगर कोई और दूसरा जो ट्रक हो गया, जो सूखा माल लेके जाते हैं, जो सड़ेगा नहीं, पचेगा नहीं, उनके लिए एक टाइम होना चाहिए। अगर रोड में कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट तो करके नहीं अपनी मर्जी से, क्योंकि आपने खुद के जान भी बचाना है। जी जी। क्योंकि घर में भी बच्चा है। जी आप लोग भी बच्चा छोड़कर, फैमिली छोड़कर पूरा भारत घूमते रहते हैं, किसी का माँ बाप है कि नहीं। जी वैसा नहीं, तो ड्राइवर लोग कभी अपनी मर्जी से गलती नहीं करेगा। देखिए रोड पे चलेगा, जैसे एक एक इलाके में जो पब्लिक लोग खुद का इलाके में दादागिरी दिखाते हैं, लोकल जो आदमी होता है लोकल एरिया में दादागिरी दिखाए, दादागिरी दिखाते हैं। और ड्राइवर लोगों का क्या है, पूरा ऑल इंडिया में दादागिरी करना पड़ता है। अच्छा, ऑल इंडिया में दादागिरी करना पड़ता है उनको। उनसे उसका गाड़ी है उसके पास, तब उसका सीना चौड़ा है, ज्यादा साहस है। जी जी, उसका बहुत साहस होता है गाड़ी रहने से। जी, अकेला अकेला आदमी देखिए, पूरा रात भर अकेला अकेला, मैं भी अकेला चलाता है, ये इसको लेके आया। जी जी, अकेला अकेला आदमी गाड़ी चलाता है। जी, अकेला अकेला आदमी 2,000-3,000 किलोमीटर चलते हैं, कभी कभी नेपाल भी जाते हैं, कोई बांग्लादेश जाते हैं। सबसे खतरनाक स्टेट है मणिपुर, मणिपुर, मेघालय। अच्छा, उधर जो उतना भी नॉर्थ इंडिया हो गया, नागालैंड। जी जी, वो खतरनाक स्टेट, क्योंकि उधर वो पब्लिक के सिवा दूसरे किसी का चलता। इनकंडर में एक ही गाड़ी है, और भी गाड़ी होंगे। ये इसका जी कंपनी का, अपना कंपनी का, ये कंपनी का गाड़ी है, कंपनी का चार गाड़ी है ये वाला। इसमें अभी क्या लोड करके आप लेके जा रहे हैं? वो फ्रूटी, फ्रूटी जूस, फ्रूटी जूस लेके जाएंगे। कहाँ तक चलता है आपका ये? ये अभी इधर लोड किया, अभी मंगोली में लोड किया आपने? हाँ, मंगोली में लोड किया, खड़गपुर जाएगा। खड़गपुर जाएगा, चार दिन से बैठा है, आज लोड मिला। अच्छा, आज लोड मिला, चार दिन से। एक माल मिला था गुवाहाटी का, तो कैंसिल हो गया। अच्छा, इसमें जो आपका जो ओनर भाड़ा लेते हैं, वो किलोमीटर के हिसाब से या फिर टन के हिसाब से भाड़ा लेते हैं? वैसा नहीं, इधर से देखिए, इधर से हम लोग जाते हैं डाउन भाड़ा। जी जी, और भाड़ा पूछिए मत इधर से। अच्छा, अभी जो आप लेके जा रहे हैं, कितना भाड़ा मिल जाएगा, एक अनुमान? हाँ? अनुमान कितना भाड़ा ये मिल जाएगा? होना चाहिए इधर से 17,000-18,000 मिल जाएगा, उसमें तेल वगैरह खर्चा निकल कर जो भी बच जाएगा। नहीं नहीं, अभी लेके जा रहे 10,000। जी जी, अभी जैसे कंपनी उधर से भेजा था। अच्छा, अभी देखिए इधर से लेके जा रहे हैं, जैसे 10,000 भाड़ा में जा रहे हैं, तो डाउन भाड़ा जा रहे हैं, अभी बहुत कम है भाड़ा। जैसे क्या करके, चार दिन बैठा है, चार दिन पांच रोज हो गया आज। रोड में भी इतना टूल टस, पूछिए मत। जैसे आए हम मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से, उमरपुर से। जी जी, इधर आने में लग गया 3,000, अभी जाने में लगेगा 3,000, 6,000 का टूल टस। जी, 600 रुपया में 6,000 का टूल टस। अच्छा, 600 किलोमीटर में, 600 किलोमीटर, 600 से 650 की 700 किलोमीटर होगा। जी जी, 700 किलोमीटर टूल टैक्स बहुत है। तो अभी आपका खाना बन गया, चावल बन गया आपका? हाँ, अभी तो। और क्या बना रहे हैं, तरकारी क्या बना रहे हैं? चिकन बना रहे हैं। ड्राइवर लोग खाने का कोई कोई दिक्कत वाली बात है, लेकिन टाइम नहीं रहता है जितना खाता है। हाँ, टाइम में नहीं मिलता है, कभी कभी मिल जाता है। जी जी, और ड्राइवर लोग जितना खाएगा, जैसे अच्छा अच्छा, वो आम वो कोई आम आदमी ज्यादातर नहीं खा, नहीं खा पाएगा। अच्छा, खुद से बनाना पड़ता है इस समय पर। ये देखिए उस्ताद जी, हमारा अभी चिकन बना रहे, देखिए चिकन बहुत ही शानदार और स्पेशल दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और दाल वगैरह कुछ हो रहा है या फिर सिर्फ चिकन? हाँ ना, दाल भी कल बनाया था। और यहाँ पर चावल बनाकर उस्ताद जी रखे हुए हैं, और ये हो गया इनका मोबाइल वगैरह चार्जिंग करने के लिए, सारा सेटअप यहाँ पर बनाकर रखा है। और इसमें गियर की बात करें, इसमें कितना, 5 गियर है, 6 गियर, सॉरी रिवर्स को मिलाकर 6 गियर। और ये हो गया इसका हैंड ब्रेक। तो इसमें गाड़ी तो सीट तो काफी कंफर्टेबल लग रहा है, इसमें जंपिंग वाला सीट दिया हुआ है, तो कितना कंपनी ऐसे बनाया। अभी बोल रहे थे गाड़ी का एसी बना दे, वो इसमें एसी भी लग सकता है। इसमें एसी इसमें नहीं है, ये जो दिया हुआ है इसमें 2025 तक पूरा गाड़ी को एसी करना पड़ा। जी जी,
हाँ वो तो डिक्लेयर किया है, लेकिन वो होगा या नहीं उसमें तो कोई नहीं, होना अच्छा है होना। हाँ, इतना गर्मी पड़ता है आजकल। जी जी, एसी चलाएगा तो थोड़ा ड्राइवर का दिमाग सही रहेगा। जी जी, ठंडा रहेगा तो गाड़ी तो चलाने के लिए भी आराम लगेगा। गर्मी में इधर गर्मी में परेशान होते हैं, गाड़ी चलाना भी दिक्कत होता है। देखिए ड्राइवर लोग के लिए इतना कहाँ का माल कहाँ के लेके जाता है, कहाँ लेके जाता है, जी कितना रिस्क उठाना पड़ता है ड्राइवर लोगों का। जी, और आजकल क्या ड्राइवर लोगों की कोई इज्जत बहुत कम हो गया। पहले जमाना में ड्राइवर साहब बोलते थे। जी जी, ड्राइवर साहब बोलते थे, एक रिस्पेक्ट था। अगर अभी वही एक बाइक वाला एक साइकिल वाला एक साइड में जाएगा गाड़ी तो बोले गाली बोलेगा नहीं, मैं गाली वो जी जी उल्टा सीधा गाली भी देते हैं बहुत, हमने भी बहुत सुना हुआ है। बाइक वाला तो चलने का वो उनका तरीका नहीं, ये जो सिक्स लाइन है, सिक्स लाइन में ये छोटा गाड़ी और ड्राइवर बाइक वाले को चलने का तरीका नहीं, इसको सीखना पड़ेगा। जी जी, और जो ट्रक चलाते है ड्राइवर लोग, इसको 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल ट्रेनिंग देना पड़ता है, एक्सपीरियंस है इनका पास, मिलिट्री में ट्रेनिंग देना पड़ता है ना। वैसे जिसका जैसा हमारा उस्ताद है जिसके पास सीखा मैंने, जी वो हमको ऐसा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा कर करके ट्रेनिंग दिया। जी, ट्रेनिंग तो पे आपने नींद देखिए, रात जागने के लिए भी ट्रेनिंग देना पड़ता है। वो रात बैठा बिठा के रखता था, मारता था। अच्छा, हाँ, ऐसा ही होता था। हाँ, मारता था, नींद भी चलाएगा तो ठोक देगा। जी जी, तो 3 साल 4 साल सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है, उसके बाद गाड़ी देना देगा कोई सेट, उसका जान चलाया जाएगा, अगले को मार देगा तो अगला भी चला जाएगा। इसलिए नया नया ड्राइवर को गाड़ी सेट कम लग देता है, इसलिए देखता है कितना साल क्लीनरी किया। जी जी, 2 साल 3 साल 4 साल देखेगा। अच्छा, उसके बाद ऐसा सेट जो अच्छा अच्छा वाला सेट है ऐसे से गाड़ी देता है। अच्छा उस्ताद, आखिरी सवाल आपसे करेंगे, जैसे आप इतने सालों का तजुर्बेकार ड्राइवर है, आप भाई भी तजुर्बेकार ड्राइवर है, तो देश के जो जनता है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देश के लिए तो मैसेज देना, देश तो अच्छा ही चल रहे हैं। हम राजनेता लोग जो है ना, जी वो राजनेता को नमस्कार करके बोलते हैं, आप लोग ड्राइवर के लिए बहुत ध्यान दीजिए। जी जी, नहीं तो हम लोग दिन दिन हम लोग का सम्मान मान सम्मान कम होता जा रहा है, चारों तरफ हम लोग बर्बाद होते जा रहा है। जी, एक बार लाइसेंस हम अगर गलती से भूल गया घर पे और गाड़ी लेकर चलाया तो प्रशासन पकड़ लगा, रहे लाइसेंस दिखाओ, ऑथोराइज दिखाओ, कहाँ है। अगर बोलेंगे सर भूल गया, गलती हो गया, भूल गया, घर में खूब जल्दी था चलाया, तो कभी नहीं माफ करेगा, फाइन मार कर छोड़ेगा। और हम लोग का ड्राइवर जो थोड़ा सा एक्सीडेंट होकर हाथ पैर खाम हो जाता है ना, तो तब कोई नहीं ध्यान देता है। ये बात के लिए सरकार को जल्दी कदम उठाना चाहिए। देखिए काम कर रहा है, अगर हमको थोड़ा जाके एक्सीडेंट हो जाएगा, हाथ टूट जाएगा, तो हम लोग का जिंदगी बेकार, मतलब 3 साल 6 महीना अगर बैठ जाएंगे ना। मतलब अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उनके लिए कुछ लाइफ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, सरकार की तरफ से लाइफ इंश्योरेंस मिलना चाहिए। हाँ, कि 1 लाख 1.5 लाख अगर आपको मिलना हाँ, चाहिए अगर पैर हाथ टूट जाता है। जैसे कि अभी उड़ीसा में अभी डिमांड चल रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक भी हुआ था उस कारण, तो अभी सरकार 2-4 उसमें बात में अग्री हुआ है। अभी इलेक्शन सामने है तो उनसे जो स्ट्राइक वगैरह किए तो उनका भी फायदा हो गया, जो उड़ीसा के लोकल ड्राइवर है उनके लिए कुछ फायदा हुआ है। ये एक्सीडेंट के लिए पूरा ऑल इंडिया में एक यूनियन बना रहा है, जो भी ड्राइवर का एक यूनियन ऑल इंडिया में। हम लोग क्या करेंगे, एक दिन खाटेंगे 300 रुपया मिलेगा। जी, और एक हाथ टूट जाएगा तो हमको 10,000 खर्चा हो जाएगा, 3 महीना बैठना पड़ेगा। जी जी, तो हम लोग का तो गरीब और गरीब तो बर्बाद हो जाएगा। ऐसा फैमिली नहीं चल पाएगा, खाने पीने का दिक्कत हो जाएगा, तो काम नहीं कर पाएंगे तो क्या। और अभी तो जमाना चल रहा है, हर आदमी का लोन लिया हुआ है। बहुत ड्राइवर का पास है अभी लोन में चल रहा है, हर घर किस्त में चल रहा है, लोन में चल रहा है। क्यों ना, महंगाई ज्यादा हो गया तो रोजगार कम हो गया, तो आदमी को मजबूरन लोन लेना पड़ रहा है। ठीक है उस्ताद जी, आप लोगों ने बात किया, बहुत ही अच्छा लगा। आपका यात्रा शुभ और मंगलमय, हम यही कामना करते उस्ताद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने आपका कीमती देने के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे से उस्ताद जी, बात किए बहुत ही अच्छा लगा, और उनका जो भी प्रॉब्लम था उन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से, बहुत ही अच्छा लगा बात करें। दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा, और मिलते दोस्तों इसी तरह और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।